नारायण 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 श्रीमद्भागवत षष्ठः स्कन्धः अथ तृतीयोऽध्यायः तीसरा अध्याय यम और यमदूतों का संवाद। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवाधिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृत्तांत कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा? ऋषिवर, मैंने यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने संयमनी पुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। यमदूतों ने कहा, प्रभो, संसार के जीव तीन प्रकार के कर्म करते हैं, पाप पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हों, तो किसे सुख मिले और किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सी न हो सकेगी। संसार में कर्म करने वालों के अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हों, तो उन शासकों का शासक अपना नाम मात्र का ही होगा। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते हैं, इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक दंडदाता और शासक हैं। प्रभो, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई, किंतु इस समय चार अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। प्रभो, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काट कर उसे छुड़ा दिया। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं, यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझे तो कहें। प्रभो, बड़े ही आश्चर्य की बात हुई कि इधर तो अजामिल के मुख से नारायण यह शब्द निकला और उधर वे डरो मत कहते हुए झटपट वहाँ आ पहुँचे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा। यमराज ने कहा, दूतो, मेरे अतिरिक्त एक और भी चराचर जगत के स्वामी हैं, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतो, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हीं में अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। दूतो, मैं इंद्र निर्ति वरुण चंद्रमा अग्नि शंकर वायु सूर्य ब्रह्मा आठों आदित्य विश्व देवता आठों वसु साध्य 49 मरुत सिद्ध 11 रुद्र रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सबके सब सत्व प्रधान होने पर भी उनकी माया के अधीन हैं, तथा भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं इस बात को नहीं जानते, तब दूसरों की तो बात ही क्या। तू तो जिस प्रकार
घट पट आदि रूपमान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्रों को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी, इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत, उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्रायः विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुरपूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। हे भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है, उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या सिद्ध गण ही। ऐसी स्थिति में मनुष्य विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है, उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दूतो, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभुव मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर लें। प्रिय दूतो, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, ये कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ याग आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं, तथा इस सुगमाति सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। ये कितने खेद की बात है। प्रिय दूतो, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोग वर्ष कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर हैं, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतो, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है, उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत फटकना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है और न साक्षात काल में ही है। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहंता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादार विंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख हैं और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझा बांध कर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती और जिनका चित्त उनके चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो।
जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो अकृत विष्णु कृत्यात्। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है और ये मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों को ये अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी हैं उनके ही निज जन और उनकी आज्ञा पाने के लिए ही अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए यही योग्य है कि वे क्षमा कर दें। मैं उन सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपा पूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्म शुद्धि होती है वैसी कृच्छ चांद्रायण आदि व्रतों से नहीं होती। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद मकरंद रस का लोभी भ्रमर है वह स्वभाव से ही माया के आपात रम्य दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में फिर नहीं रमता। किंतु जो लोग उस दिव्य रस से विमुख हैं, कामनाओं ने जिनकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप कर्म ही करते हैं। इससे होता यह है कि उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं और वे फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही और तभी से धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते। और तो क्या, वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह सुनाया था। भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण 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 नारायण।